हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। और वापस आज मैं गेम प्ले की वीडियो ला चुका हूँ, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया। तो गाइस, मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप देख सकते हो मेरे साइड में एक स्क्वाड उतरी है, तो यहाँ पे हॉट ड्रॉप हो चुका है मेरे लिए। तो मेरे को जैसे ही एक गन मिलती है शॉटगन, मैं इन पर रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनको भी लूट नहीं मिली है, क्योंकि जिस जगह से मैं आया था ये भी वहीं घुस गया है। तो आप देख सकते हो, तो मैं इसको मारने की पूरी कोशिश करता हूँ। गाइस, इस चीज़ में मैं बिल्कुल, और इसका एक और टीममेट आ रहा था, उसकी साउंड आ गई। गाइस देख सकते हो, मैंने इसको भी नॉक कर दिया। तो जैसा कि मैं बोल रहा था गाइस, जब भी अगर आपका हॉट ड्रॉप हो चुका है, बिल्कुल क्लोज हो आप, तो अगर आपको जैसी कोई भी गन मिले आप रश कर दो, क्योंकि उनको भी ज़रूरी नहीं है कि गन मिले या ना मिले। तो देख सकते हो दोनों के पास पिस्टल थी, और एक और बंदे की साउंड आ रही है यहाँ पर मुझे। तो मैं यहाँ पर टीपी भी लेना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस ये प्रोन हो गया था, तो मुझे लगा ये नॉक हो गया, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये नॉक नहीं हुआ है। तो गाइस, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी भी गन मिले सीधा रश कर दो, अगर आप बहुत क्लोज टू क्लोज हो। तो अगर आप भागोगे तो उनको गन ढूंढने का टाइम मिलेगा और वो आप पे रश करेंगे। देख सकते हो, ये बंदा AKM लेके आया नीकी स्क्वाड का, मेरे पे जीरो एमओ थी, तो मैं यहाँ से स्प्रिंट कर गया। तो वो बंदा कन्फ्यूज़ होगा कि ये गया कहाँ। तो यहाँ पे गाइस सारा साउंड का गेम है, मैं समझ गया था कि ये राइट से आएगा, तो मैं ऑलरेडी पीछे जाके टीपी भी लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पे इसको नॉक कर दिया, मतलब पूरी स्क्वाड वाइप कर दी। तो गाइज़ ये बहुत मैटर करता है, अगर आप कभी भी सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हो, तो अगर आपका हॉट ड्रॉप हुआ है, बिल्कुल क्लोज टू क्लोज आए हो, जैसे ही गन मिले वैसे ही रश कर दो अगर आपको बंदा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप भागोगे तो उनको गन ढूंढने का टाइम मिलेगा और वो आपको ईजिली नॉक कर देंगे, पूरा ईजी कर देंगे। सोलो भी स्क्वाड में नॉक तो होता नहीं है, तो मेक श्योर आप कभी भी सोलो भी स्क्वाड खेलो तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो गाइज़ मैंने जैसे ही मैं वहाँ पर पूरा स्किप कर दिया, क्योंकि मिलिट्री पर और कोई था नहीं, तो यहाँ पे फाइट चलती थी, तो मैंने आके यहाँ पे अकेले थर्ड पार्टी करने की कोशिश की। तो गाइस जब भी आप सोलो भी, तो गाइस मैं वहाँ पे शांत हो गया, मैंने उसको मार रहा था उस बंदे को, मुझे दिखा, बट मेरा स्कारल का एमो खत्म हो गया, तो मजबूरन मुझे AK निकालने पड़ी। तो वो बंदा स्मोक करके आगे आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि AK निकाल के यहीं पर इसको टेक डाउन करूँगा। तो गाइज आप देख सकते हो, इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, आगे नहीं आने दिया, बट स्टिल ये रिवाइव हो जाता है। और मैं नेट वेट फेंकने की ट्राई करता हूँ, बट होता नहीं है मुझसे अच्छे से, तो फिर मैं वेट करता हूँ उसका। देख सकते हो आप, ये बंदा लेफ्ट में आ चुका था, तो मैं इस बंदे को भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ये दो ही बंदे हैं, बाकी सब मर चुके हैं। तो गाइज मैं सीधा रश कर देता हूँ यहाँ पे, मैं नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ, बट नेट्स लगते नहीं हैं। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये हील हो रही है, वहाँ पर बैंडेज का साउंड आता है। देख सकते हो, मुझे जैसे पता चलता है कि हील हो रही है, बैंडेज का साउंड आ रहा है, तो मैं इनको जाके मार देता हूँ। बट गाइज यहाँ पे मैं अपनी सबसे बड़ी गलती ये करता हूँ कि मैं जोन नहीं देखता हूँ, और यहाँ पे मैं जोन से ही नॉक हो जाऊँगा। आप देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके कि निकल जाऊँ, बट मैं इतना घुस चुका था फाइट में कि मैंने जोन नहीं देखा और मैं जोन से ही मर जाता हूँ। तो गाइज़ ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि उसमें मिलिट्री बेस में मैंने पूरी मिलिट्री बेस अकेले ही क्लियर कर दी थी। और उसके बाद गाइज़ मैं इसके बाद जस्ट एक और बार सोलो भी स्क्वाड खेलता हूँ, कंटेनर्स जाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैं सोलो स्क्वाड, और इस वाले मैच में मैं कुछ इस तरह से सस्पिशियस वे से मरा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं कैसे मर गया। बट स्टिल गाइज आप देख सकते हो, मैं कंटेनर्स आया, मुझे स्कारेल मिल गई, गन तो मिल गई। यहाँ पे मैं इनके शॉट्स ले रहा था, बट मुझे पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर है और इसने मुझे देख लिया, मैं अकेला हूँ। तो गाइज ये लोग मुझ पर रश कर देते हैं। गाइज अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आपको, सिचुएशन आप खुद देखो कि यहाँ पर कितनी मज़ेदार फाइट होती है, पूरी स्क्वाड मेरे पर रश कर देती है। बस आप देखो कि यहाँ सारा साउंड का गेम है, और साउंड ले लेके मैं कैसे नॉक करता हूँ। गाइस मेरे एमओ खत्म हो चुके थे, तो लकीली मुझे यहाँ पर एमओ मिल जाता है, ये मेरे लिए बहुत लकी चीज़ थी। फाइट कंटिन्यू करते हैं अब। एक और बंदा मैं नॉकडाउन कर देता हूँ, दो बचते हैं, दो बंदे नॉकडाउन कर देता हूँ, सिर्फ एक बचता है। मुझे पता था कि ये लेफ्ट से आ रहा है, मुझे बिल्कुल साउंड आ रही थी इसकी क्लियरली, तो मैं पहले ही जाके यहाँ पे टीपी भी लेना स्टार्ट कर देता हूँ कि जब भी आए मुझे दिख जाए। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ मैं ईजिली इनकी स्क्वाड वाइप कर देता हूँ। और गाइस एक टावर पर भी बंदा दिखता है, बट मैं यहाँ पे कुछ पहले ही शॉट्स ले लेता हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। तो गाइस फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक और स्क्वाड की फाइट चल रही होती है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्क्वाड क्लियर कर चुका था और एक बंदे को थर्ड पार्टी करके मार चुका था, यहाँ पे और फाइट चलती है स्क्वाड की। तो मैं जस्ट राइट मूवमेंट का वेट करता हूँ कि कब मुझे दिखे कोई बंदा नॉक, या फिर जो भी बंदे ओपन। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये बंदे मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, इनकी फाइट चल रही है, नॉक किया उस बंदे ने।
गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मैं नॉक वाले बंदे को मारता हूँ, फिर मैं इसको मारता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहले एक किल सिक्योर कर लूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि मेरे एमओ खत्म हो चुके हैं, आप देख सकते हो इस कारल में 20x0 एमओ है, तो मैं मिड रेंज और लॉन्ग रेंज फाइट नहीं ले सकता, तो इसीलिए मैं स्क्वाड ऑफ आ जाता हूँ वापस। और लकीली मुझे यहाँ पर भी एमओ मिल जाती है गाइज, तो मैं यहाँ पे इस कारल रिलोड करता हूँ। मैं सोचता हूँ इन पर वापस रश मारूंगा कंटेनर्स वालों पे, क्योंकि मुझे सोलो भी स्क्वाड एकदम रश करके खेलना था, मुझे कैंप नहीं करना था। तो मैं यहाँ पे एमओ लोड करता हूँ और मैं फिर इन पर जाता हूँ रश मारने, बट मैं पहले चेक करता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे बंदे हैं कितने, या एक स्क्वाड वाइप हो गई या स्टिल वहाँ पे दो स्क्वाड की फाइट चल रही है। तो मैं पहले गैरेज जाता हूँ, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि एक ड्रॉप आ चुका है। तो गाइज अभी अभी गिरा था तो मैं जाके फटाफट ड्रॉप ले लेता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी गिरा था तो किसी का चांस नहीं आने का। और लकीली यहाँ पे ग्रोजा मिल जाती है, तो क्लोज रेंज तो अब मेरी ओपी हो ही गई। और मैं वापस जाता हूँ अभी मुझे यहाँ पे बंदा दिखता है, मैं यहाँ पे स्प्रे इसलिए नहीं मारता क्योंकि स्कारल है कुछ ज़्यादा हिल जाती, तो मैं टैप पे फायर करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे लगती नहीं है इसको, सिर्फ एक गोली लगी मेरी। अगर फिर उसका बंदा मुझे मारने लगता है और वो बहुत अच्छा मारता है, मैं ऑलमोस्ट मरी गया था यहाँ पे, तो मैं कवर में आके पहले यहाँ पे हील करता हूँ। और गाइस इतने में क्या होता है कि मैं हील कर रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरे पे रश हो चुका है, पीछे स्क्वाड हाउस में बंदे आ चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि ये कितने बंदे हैं, बट मुझे साउंड आ रही थी जैसा कि आप भी सुन सकते हो, तो मुझे ये साउंड आ रही थी कि ये टेरेस पे है, एकदम क्लियर टेरेस की साउंड थी ये। तो मैं सोचता हूँ कि मैं नेड करके इनको टेरेस से नॉक कर दूँ एक को, और फिर मैं रश कर दूँ, क्योंकि मुझे भी होल्ड नहीं करना था, मेरे पे ग्रोजा थी, एक प्लस पॉइंट था मेरे पास। तो मैं पहले नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ कि नेट से एक नॉक हो जाए, मैं रश करूँ यहाँ पर, एक मौका ढूंढता हूँ मैं, बट होता नहीं है गाइज़ नेट से नॉक। तो आप देख सकते हो मैं सीधा रश कर देता हूँ, बट स्टिल मैं गैरेज होल्ड करता हूँ। मुझे बंदों की पोजीशन पता करनी थी कि बंदे हैं कहाँ पर, तभी मैं इनको नॉक कर सकता हूँ, वरना अगर मैं ऐसे अंधा घुसा तो ये तो पूरी बेवकूफ़ी हो जाएगी। और साथ के साथ मुझे पीछे भी देखना था कि वो मेरे को ओम का शॉट ना मार दे या फिर डीपी ना भर दे पीछे से, तो मेरे को साथ के साथ पीछे भी देखना था और आगे भी देखना था, दोनों काम एक साथ करने थे। तो गाइस मैं एक बार टेरेस एक बार और चेक करता हूँ, तो एक बंदा जो होता है वो मुझे टेरेस पे दिख जाता है अभी देखोगे कुछ देर में। तो जैसे ही मैं राइट साइड देख रहा था, देख सकते हो वो जंप करने की कोशिश करता है घेरी सूट में, तो गाइस आप देख सकते थे मुझे मौका मिल गया क्योंकि एक बंदा टेरेस से कूदा और एक बंदा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो मैं इन पर रश कर देता हूँ और इनको यहाँ पे मार देता हूँ। तो गाइस इसके बाद क्या होता है, मुझे पता चलता है कि जो पीछे वाले बंदे थे वो स्मोक करके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे अकेला हूँ, तो वो लोग कवर देंगे तो मैं उनको नहीं मार पाऊँगा। तो वो एक बंदा बगी लेने आता है, तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उन पर फायर नहीं देता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फायर लूँगा तो विंडो पे स्नाइपर शॉट करना ईजी है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको नॉक कर दिया, मुझे यहाँ पे बंदा दिख गया था कि ये बग्गी लेने आ रहा है, तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ। जैसा कि मैं बोल रहा था गाइस, अगर आप विंडो से लेते हो वहाँ पे स्प्रे, तो विंडो पे स्नाइपर शॉट्स मारना ईजी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिर्फ बंदे का हेड ही दिख रहा रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आके ट्राई करता हूँ उसको मारने की, मैं यहाँ बग्गी भी फोड़ देता हूँ। और गाइस फिर मुझे पता चलता है कि इसको रिवाइव करने कोई आ रहा है, ये बंदे को भी मैंने ऑलमोस्ट नॉक कर ही दिया था, बट ये बच जाता है एक शायद 5 या 10 HP से बच जाता है ये बंदा बस। तो देख सकते हो उस बंदे को तो मैंने मार दिया, बट ये बंदा मेरे से बच जाता है। तो गाइस फिर मैं जोन को प्रायोरिटी देता हूँ, जैसा कि मैं बोल रहा था उस बंदे को मैंने मार दिया बट वो बंदा बच गया, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा होल्ड करके, क्योंकि जोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एट दी एंड सबको जोन में ही आना है। तो मैं ये गाड़ी में फ्यूल चेक करता हूँ, फ्यूल नहीं देता, तो मैं फिर भी फॉर सिक्योरिटी मैं इसके ये तोड़ देता हूँ, श्योरिटी के लिए टायर सारे फोड़ देता हूँ कि ये ले ना पाएँ, बग्गी ऑलरेडी फूट चुकी थी। और मैं गैरेज से गाड़ी निकाल के जोन की तरफ चला जाता हूँ। गाइस जब मैं जोन में आता हूँ तो मुझे लगता था कि इस कंपाउंड में बंदे होंगे, तो मैं सीधा एकदम सीधा क्लैश मारता हूँ वहाँ पे कि यहाँ पे बंदे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी फाइट देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, बट स्टिल ओपन्स में शॉट्स आ रहे थे। तो मैं सोचता हूँ मैं सीधा ओपन में ही जाऊँ, क्योंकि मुझे होल्ड नहीं करते थे कंपाउंड, तो मैं सीधा ओपन में आ जाता हूँ। और फिर देखो गाइज़ यहाँ पे क्या होता है, अचानक से इसके ट्रक के अंदर से बंदा निकलता है, देख सकते हो गाइज़ ये नॉक नहीं होता, ये ट्रक के अंदर से निकलता है, बट फिर मैं मॉली डाल के इसको मजबूर करता हूँ निकलने को बाहर, और मैं इसको नॉक कर देता हूँ। सीधा रश करता हूँ गाइज मैं बिना सोचे समझे, मुझे पता नहीं इसके कितने टीममेट्स, एक टीममेट दिखता है आते हुए,
और गाइज़ मैं इसको भी सिंपली मार देता हूँ। तो गाइज़ ये मैं सीधा इसको मौली फेंक के मजबूर करता हूँ कि ट्रक से निकले, और फिर मैं सीधा रश कर देता हूँ। और गाइज़ जब मैं जा रहा था, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भी बंदे हैं जहाँ मैंने स्कोप किया, और घर पे आप देखो गाइज़ 3 बंदे ऊपर। तो गाइज आप देख सकते हैं मुझे 3 बंदे ऊपर दिखे, मैंने एक को नॉक तो कर दिया, मेरे पास 6x नहीं था, वरना मैं फिनिश भी कर देता उसको नॉक करके होपफुली, बट 3x से तो मुश्किल था बहुत, मैं फिनिश नहीं कर पाया, वो कवर में चला गया। तो गाइज़ मैं वापस जोन में आ जाता हूँ अपनी कार लेके, और गाइज़ मैं जोन में आगे नहीं देखता जहाँ बंदे हैं, मैं पहले पीछे चेक करता हूँ। ये चीज़ अगर अब हमेशा याद रखो, जब भी आप सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हो या फिर अपनी स्क्वाड के अकेले बच्चे हो, जोन में जब भी आते हो तो आपको जहाँ बंदे दिख रहे हैं वहाँ फोकस मत करो, जहाँ बंदे नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर पहले आप फोकस करो, क्योंकि हो सकता है आप आगे के बंदे पर फोकस कर रहे हो और आप आगे ही मगन हो जाओ उनको मारने के लिए, और पीछे से आपको और आके कोई मार दे स्क्वाड। तो मेक श्योर आप पहले अपनी जो प्लेसेस है पीछे की वो क्लियर करो कि वहाँ से तो कोई नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने पीछे क्लियर किया, मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखा, और मुझे आगे बंदे पता है कि आगे बंदे हैं, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ परफेक्ट मूवमेंट का कि कब मैं शॉट्स ले सकूँ उन पे, क्योंकि अभी मुझे अपनी पोजीशन रिवील नहीं करनी है। तो मैं अभी थोड़ा लो की खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो मैं अपनी गाड़ी पीछे ला देता हूँ जोन में, फिर मैं जोन देखता हूँ कि जोन कहाँ कटा। तो फिर जोन राइट साइड में कट चुका था मेरे, और मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे कोई है तो नहीं कंपाउंड्स में यहाँ पे, और मैं इस तरफ से जाने की सोचता हूँ कि मैं कंपाउंड्स की तरफ से जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी सामने बंदे थे देखो ये। और यहाँ पे मैंने शॉट्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहता था कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना मेरी फील्डिंग पहले ही लगा देते वो सारी स्क्वाड, उनको पता था कि यहाँ से कोई ना कोई आएगा। और यहाँ पे भी फ्लेयर पे भी एक गाड़ी जा चुकी थी, तो मैं इनको इग्नोर करता हूँ दोनों को, और मैं सीधा जोन की तरफ जाता हूँ आराम से। मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ, मैं सबसे पहली प्रायोरिटी जोन को देता हूँ, और जब रश करता हूँ तो सीधा रश ही करता हूँ, पीछे नहीं हटता, क्योंकि या तो अगर आप पीछे हटोगे तो गाइस अक्सर बंदे पीछे हटने में ही मरते हैं, क्योंकि वो देखो पहले ये बंदा यहाँ पर मुझे दिखा, तो गाइस इसको मैं नॉक कर देता हूँ, नॉक फिनिश भी कर देता हूँ इसको। तो गाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब मेरा जीजी हो जाता है, मैं यहाँ पे इसका एक टीममेट आता है, पता नहीं गाइज़ ये क्या था, पहले मुझे लगा कि ये बंदा हैक कर रहा है, फिर बट मैंने इसकी केडी देखी और फिर मैंने इस बंदे की प्रोफाइल देखी, मुझे नहीं लगा ये हैक कर रहा है, ये ग्लिच था। मेरे दोस्तों ने बोला कि ये ग्लिच होता है गाइज़, वो सिर्फ एक MK14 की। आप मेरा हेलमेट वेस्ट देखो गाइज़, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 की वेस्ट है, सिंगल विदाउट 0 डैमेज है ये। और गाइज देखना वो सिर्फ आएगा, एक शॉट मारेगा मेरे हेड पे और मैं नॉक हो जाऊंगा, ये गलती से मेरे से नेड फिक जाता है, मैं सीधा किल हो जाऊंगा गाइज यहाँ पे। गाइज आप देख रहे हो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इसका, और गाइज देखो अब तो देख सकते हो गाइज सीधा आया, एक शॉट मारा और मेरी खोपड़ी खोल गया ये बंदा। तो मेरे बहुत दोस्तों ने बोला कि ये ग्लिच था या हैक नहीं था, मैं इसकी प्रोफाइल देखता हूँ। तो गाइज ये एक छोटा सा गेम प्ले का वीडियो था सोलो वी स्क्वाड का, आई होप आपको कुछ टिप्स मिली होंगी कि सोलो वी स्क्वाड कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टेक केयर।